गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी जो क्लास है वो सेकेंड ईयर की है और आज हम फर्स्ट पेपर का जो दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज हमने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है अहस्तक्षेपवादी राज्य, लेसेस फेयर स्टेट। इसमें हम पढ़ेंगे लेसेस फेयर स्टेट क्या होता है, इस अवधारणा का विकास कैसे हुआ, इससे संबंधित क्या क्या अवधारणाएं हैं और लेसेस फेयर स्टेट की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, लेसेस फेयर स्टेट के फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, लेसेस फेयर स्टेट के पक्ष में तर्क और उसकी आलोचना या उसके अगेंस्ट में क्या कहा जाता है, उस पर हम अपना लेक्चर केंद्रित रखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अहस्तक्षेपवादी राज्य राज्य का वह स्वरूप है जो व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने की अवधारणा से प्रचलित। अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा को लेसेस फेयर कहा जाता है। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह अपना कार्य निर्विघ्न रूप से अपनी इच्छा अनुसार कर सके। राज्य मनुष्य के उस समुदाय को कहते हैं जो एक से उद्देश्यों के लिए एक साथ संगठित होता है, जो किसी निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो, जिसका एक शासन तंत्र होता है और जो स्वयं पूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। इस प्रकार जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता, ये राज्य के आवश्यक तंत्र हैं। यहाँ राज्य से तात्पर्य शासन तंत्र या सरकार से है। मानव जीवन के कल्याण के क्षेत्र में राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, राज्य को मनुष्य के जीवन में कितना हस्तक्षेप करना चाहिए, इसके बारे में कभी भी मतैक्य नहीं हो पाया है। समाज का वर्ग इस अवधारणा के अलग अलग पक्षों को देखता है। व्यक्तिवादी विचारधारा, जिसको हम राम भरोसे भी कह सकते हैं, जिसको हम अहस्तक्षेपवादी भी कहते हैं, ये एक ही अवधारणा है जो ये मानती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक, जैसा कि हमने देखा, आवश्यक तत्व है, मतलब राज्य है, जरूरी है, लेकिन ये एक बुराई भी है। इनके अनुसार चूंकि राज्य एक बुराई है, इसलिए उसकी गतिविधियों को अधिकतम संभव सीमा तक सीमित कर दिया जाना चाहिए। इस व्यक्तिवादी विचारधारा के मूल समर्थक रहे हैं जे एस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, मिल्टन, लॉक, वॉल्टेयर। ये सभी विद्वान राज्य द्वारा मानव जीवन के अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करते हैं। व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने देना ताकि वह अपने निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक होता है। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, इस अवधारणा का विकास कब हुआ। 17वीं-18वीं शताब्दी में दैवीय सिद्धांत लोकप्रिय होता था। इसमें राजाओं ने जनता के ऊपर करों के बोझ लाद दिए, जिससे व्यक्तिगत व सामाजिक क्रियाविधि पर नियंत्रण थोपने की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। इस स्थिति का जनता ने बहुत विरोध किया और एक बौद्ध क्रांति सामने आई। इसी 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम फ्रेंच दार्शनिक क्वेने ने इस सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया कि राज्य को केवल नैसर्गिक व्यवस्था तक ही सीमित रहना चाहिए। नैसर्गिक यानी कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसी को पूरा करना चाहिए। इसी शताब्दी में व्यापारीवाद का भौतिक सिद्धांत तथा फ्रांस में भौतिकवाद का सिद्धांत प्रचलित था, जिसका यह मानना था कि व्यक्तिगत साहसिक उद्योग की तरह कानून में हस्तक्षेप के बिना अपने निजी मार्ग पर
गतिशील होने देना चाहिए। इस अवधारणा को जो राज्य को बुराई मान रही है, जो राज्य के कार्यों को नकारात्मक मानती है, वह मानव की भलाई और उन्नति का प्रबंध राज्य के कार्यों का दायित्व नहीं है। वे राज्य के कार्य क्षेत्र को अधिकतम सीमा तक सीमित करना चाहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी मामलों में निर्णय लेने और निश्चय करने का अधिकतम स्वाधीनता होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वार्थ तथा हितों का सबसे अच्छा संरक्षक है। मानव जाति का हित इसी में है कि व्यक्ति को ऐसा जीवन जीने को मिले जो उसे अच्छा लगता है, वह दूसरों की मर्जी पर अपना जीवन यापन ना करे बल्कि स्वयं की इच्छा पर। संगठन का आधिक्य जब किसी को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करने की या विवेक के अनुसार क्रियाशील होने से वंचित करता है, तो उसका शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यह विचारधारा राज्य के कार्य क्षेत्र पर रोक लगाती है। इसी के एक समर्थक फ्रीमैन ने कहा था, वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। हम बात करेंगे इस अवधारणा की प्रमुख मान्यताओं पर। यह अवधारणा ये मानती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण में हो सकता है, बंधन के वातावरण में नहीं। राज्य का अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि अपराध होते हैं, अतः राज्य को उसकी सुरक्षा का कार्य करना चाहिए। समाज में मनुष्य का बौद्धिक और आर्थिक विकास स्वतंत्र प्रतियोगिता के द्वारा ही संभव है। राज्य और उसकी सरकार केवल नियामकीय कार्य ही कर सकती है। नियामकीय माने नियम बनाने संबंधी, व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्रियाओं को संपन्न करने की क्षमता किसी सरकार में नहीं है। निजी क्षेत्र में व्यक्ति जिस तत्परता और योग्यता के से अतिरिक्त श्रम करता है, वह तत्परता सार्वजनिक कार्यों में इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि उसके व्यक्तित्व की कोई निजी प्रेरणा नहीं होती। अहस्तक्षेपवादी राज्य की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। अहस्तक्षेपवादी विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है, स्वयं के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक होता है। मिल का मानना है कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क और स्वयं पर संप्रभु है, जो अपने बारे में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। वे राज्य को अविश्वास और आशंका की दृष्टि से देखते हैं। राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, वह बुराई जिससे बचा नहीं जा सकता। आवश्यक इसलिए कि कुछ सुरक्षात्मक कार्य ऐसे हैं जिन्हें व्यक्ति अकेला संपन्न नहीं कर सकता, और बुराई इसलिए कि उसकी राय में राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। एक चीज और हम देखें कि व्यक्तिवादियों के अनुसार जो राज्य के कार्य सौंपे गए हैं, वो राज्य को केवल तीन ही कार्य करने को कहता है। पहली चीज, विदेशी आक्रमण से देश की सीमाओं की रक्षा करना। दूसरा, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना। और एक चीज कि व्यक्तियों को परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध संरक्षण देकर उनके जान और माल की रक्षा करना। एक और कार्य जो गिलक्रिस्ट ने भी माना कि संविधान के निर्वहन की व्यवस्था और असहाय तथा अपाहिज व्यक्तियों की रक्षा, ये कार्य राज्य का होना चाहिए। जो तीसरी विशेषता है, वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है। अहस्तक्षेपवादी विचारक व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटते हैं, एक तो वह जिनका प्रभाव व्यक्ति तक सीमित है, और दूसरे वे कार्य जिनका प्रभाव समाज के
अन्य सदस्यों पर पड़ता है, यानी दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाए, कम से कम शासन करें। राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण देखा जाता है। यह विचारधारा लोक कल्याणकारी राज्य की जो आधुनिक अवधारणा है उससे एकदम ही पृथक है। व्यक्ति राज्य है और राज्य साधन है। राज्य का दायित्व कितना होना चाहिए? राज्य का केवल वही दायित्व होना चाहिए कि वह सुरक्षात्मक कार्य करे और दूसरा कल्याणकारी कार्य की अनुमति राज्य के पास नहीं होनी चाहिए। एक और अन्य विशेषता जो व्यक्तिवादी मानते हैं, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च ध्येय हो, यह लोग संकुचित व्यक्तिवाद में विश्वास करते हैं। ये हमने चर्चा की अहस्तक्षेपी शेपवादी राज्य की विशेषताओं के ऊपर। अब हम देखेंगे कि किस आधार पर हम अहस्तक्षेपवादी राज्य के विचारों को मानते हैं, यानी इस अवधारणा के पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ लेसेस फेयर स्टेट। सबसे पहली बात जो मानी जाती है वो नैतिक आधार पर, एथिकल बेसिस पर। व्यक्तिवादियों का यह विचार है कि राज्य अथवा सरकार के द्वारा जैसे ही मानव जीवन में हस्तक्षेप किया जाता है, उसकी अपनी अंतःप्रेरणा और आत्मनिर्भरता का ह्रास होने लगता है, कमी आने लगती है, उसमें कार्य करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, स्वावलंबन कम होता है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता टूटने लगती है, उसके उत्तरदायित्व की भावना निर्बल होने लगती है, व्यक्ति आलसी बनने लगता है, पंगु बनने लगता है। व्यक्ति के स्वतंत्र क्रियाविधि में राज्य का हस्तक्षेप उसकी अंतःप्रेरणा और उसकी आत्मनिर्भरता को नष्ट करता है। इस सिद्धांत का जो समर्थन किया है वो कॉन्ट, फिक्टे, हम्बोल्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया है। उनकी मान्यता है कि राज्य का उद्देश्य सभी नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना चाहिए, इसलिए राज्य को उसके सुरक्षात्मक कार्यों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्र प्रतियोगिता व्यक्ति की उच्चतम संभावनाओं को विकसित कर सकती है। जब हम अपने आप को या किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने जो कार्य है वो ज़्यादा अधिक कुशलतापूर्वक कर सकता है। दूसरा, इकोनॉमिकल बेसिस पर, आर्थिक आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और निजी साहस समाज में आर्थिक उत्पादन को बढ़ाती है, उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाती है, जिससे संपूर्ण समाज का आर्थिक कल्याण होता है। एडम स्मिथ, बेंथम, मिल, स्पेंसर ने इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए। एडम स्मिथ का मानना था कि वाणिज्य और उद्योग यदि निजी साहसिक उपक्रम पर छोड़ दिए जाए तो और ज़्यादा उन्नति होगी। स्वतंत्र प्रतियोगिता से उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन अधिक होगा तो मूल्य कम होंगे और पूंजी और श्रम की स्वतंत्र गति को प्रोत्साहन मिलेगा। ये भी बात एक कही गई है कि समाज में उद्योगपतियों को अगर स्वतंत्र रूप से अपनी संपत्ति का जो विनियोजन है वो अपनी इच्छानुसार करने के लिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो संभवतः ये उद्यमी अपनी छिपी हुई पूंजी का सामाजिक हित में विनियोग कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होगा कि जो कुछ पूंजी वे विनियोग कर रहे हैं उसका लाभांश केवल उन्हें ही प्राप्त होगा और सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। व्यक्तिवादियों का विचार है यदि इस तरह उद्यमियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, कोई पूछताछ नहीं की जाती, तो यह स्थिति संपूर्ण समाज में व्यापक हित में सिद्ध होगी। तीसरे जो तर्क दिया जाता है वह बायोलॉजिकल और साइंटिफिक बेसिस पर, जीवशास्त्री या वैज्ञानिक आधार पर दिया जाता है। जो प्रमुख समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर थे उनका कहना था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस
एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम प्राणी के जीवित रहने का नियम जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में है वह मानव जीवन में भी लागू किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि डार्विन ने योग्यतम प्राणियों के विजय के सिद्धांत के द्वारा जीव विज्ञान का एक नियम प्रतिपादित किया था। उनका कहना था कि योग्यतम की विजय प्रकृति का नियम है और समाज की प्रगति शक्तिशाली द्वारा दुर्बल को हटा देने पर निर्भर करती है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन में संघर्ष में सामर्थ्यवान प्राणी ही जीवित रहते हैं और निर्धन प्राणियों के जीवन का अंत हो जाता है। मतलब राज्य का ये कहना है कि समाज के जो निर्धन अयोग्य निर्बल असमर्थ प्राणी हैं उनकी कोई मदद नहीं करना चाहिए और जो योग्य समर्थ बुद्धिमान हैं उन्हें राज्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। चौथा आधार जो माना था वो है एक्सपीरियंस बेसिस, अनुभव के आधार पर। अनुभविक के आधार पर जो हस्तक्षेपवादी विचारक हैं वो ये कहते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य का हस्तक्षेप कभी उचित नहीं रहा। जब जब राज्य ने किसी समुदाय के सामाजिक और आर्थिक कार्यों को अथवा स्वतः विकास को नियंत्रित करने की कोशिश की है वह अपने इस प्रयास में असफल रहा है। अनुभव यह भी दर्शाता है कि जब कभी राज्य ने मानव जीवन और उसके व्यवहार के विभिन्न पक्षों को नियंत्रित किया है मानव के इन नियंत्रणों को कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं किया बल्कि उस नियंत्रण के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। विश्व की अनेक सरकारों ने राशनिंग और मूल्य नियंत्रण की नीतियां लागू की हैं। उनके दुर्बल सिद्धांतों और असफलताओं को हम सब जानते हैं। जब जब मानव जीवन में राज्य ने हस्तक्षेप किया है तब तक उसके कार्यों में लाल फीताशाही, अनावश्यक विलंब, अपव्यय, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। किंतु जब 19वीं शताब्दी में अहस्तक्षेपवादी राज्य सिद्धांत जब चरम सीमा पर था उसी समय इसके दोष और कमियां भी सामने आने लगे जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इस सिद्धांत की आलोचना की गई और जो तर्क इसके समर्थन में दिए गए थे उसको आलोचना के रूप में देखा गया। जो पहली आलोचना की गई, स्टेट इज नॉट ए नेसेसरी इवल, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। यह नितांत गलत सिद्ध हुई कि राज्य एक बुराई है। 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में लोक कल्याण राज्य की विचारधारा का उदय हुआ और कोई भी व्यक्ति राज्य को बुराई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज हम देखते हैं कि राज्य केवल सुरक्षा और शांति की व्यवस्था नहीं करता बल्कि नागरिकों के कल्याण और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं भी बनाता है, उनको क्रियान्वित करता है। प्रसिद्ध विचारक अरस्तु का मानना था कि राज्य की उत्पत्ति मानव जीवन की आवश्यकताओं से हुई है और कल्याणकारी जीवन के लिए उसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात जो कही गई, कानून मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करता बल्कि उसकी रक्षा करता है। लॉ डज नॉट लिमिट द इंडिविजुअल्स लिबर्टी, इट हेल्प्स पीपल। यह विचार भी गलत है कि राज्य और उसके द्वारा प्रवर्तित कानून मनुष्य की स्वतंत्रता को रोकते हैं। राज्य के क्रियाकलापों से स्वाधीनता सीमित होती है, यह भी एक गलत धारणा है। वस्तुतः सामाजिक हित में मनुष्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाना भी आवश्यक होता है। कई बार हम ये देखते हैं कि कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है, उसे किसी भी अर्थ में सीमित नहीं करता। यदि सीमाएं लगाई जाती हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक हित। सामाजिक हित की साधना करने के संदर्भ में ही व्यक्ति पर रोक लगाई जाती है। जैसे कि हम देखें कि
हम कहेंगे कि शराब पीना, शराब पीकर घूमना व्यक्ति का अधिकार है। नहीं, इस अधिकार का दुरुपयोग करके या उपयोग करके व्यक्ति लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है, तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। तीसरी जो बात कही गई है, व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक सदैव नहीं होता। इंडिविजुअल्स इज नॉट ऑलवेज बेस्ट जज ऑफ हिज इंटरेस्ट। ये कहा गया था कि व्यक्ति स्वयं अपना बहुत समझदार है, अपना भला बुरा सोच सकता है, ऐसा संभव नहीं है। गार्डनर का विचार है कि प्रत्येक देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो खतरों को दूर करने का विचार नहीं कर सकते, ऐसे खतरे जिनके बारे में वे अनभिज्ञ हैं। कभी कभी राज्य मनुष्य की मनोवैज्ञानिक, नैतिक और यहाँ तक कि शारीरिक आवश्यकताओं का स्वयं व्यक्ति की अपेक्षा अच्छा निर्णय करता है। तो यह मनुष्य की कोरी स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देता है, बिना यह जाने कि उसकी स्वतंत्रता का कोई सामाजिक संदर्भ भी होता है। चौथी बात जो कही गई, योग्यतम की विजय का सिद्धांत नितांत अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल। द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज जस्ट इम्प्रैक्टिकल। हम ये नहीं कह सकते कि जो निर्बल व्यक्ति है उसे जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वस्तुतः पशु जगत का यह सिद्धांत अगर हम मानव जीवन पर लागू करते हैं तो यह अमानवीय होगा, यह अनर्थकारी होगा। यह परिणाम होगा कि हिंसक व्यक्तियों की विजय को हम स्वीकार कर रहे हैं। केवल जीवन संघर्ष में सफलता प्राप्त कर लेना ही योग्यता की कसौटी नहीं हो सकती। एक विचारक थे हक्सले, उन्होंने कहा कि राज्य एक मानवीय संस्था है और इसके अंतर्गत पाशविक शक्ति से संबंधित कानूनों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य योग्यतम व्यक्तियों को जीवित रखने की अपेक्षा सभी जीवित व्यक्तियों को योग्य बनाना होना चाहिए। नेक्स्ट बात जो कही गई आलोचना में, राज्य की असफलता का तर्क असत्य है। द लॉजिक ऑफ फेलियर ऑफ स्टेट इज फॉल्स। अतीत के अनुभवों के आधार पर राज्य एक अयोग्य संस्था सिद्ध हुई है, यह सिद्धांत, यह धारणा गलत है। जब से राज्य नामक संस्था का उदय हुआ है, राज्य ने हमेशा मानव कल्याण के क्षेत्र में अनगिनत सफलताएं अर्जित की हैं। आज मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी सफलताओं के कीर्तिमान हम देखते हैं, वे सब राज्य के संरक्षण, सहायता और प्रोत्साहन के बिना संभव नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता शोषण की व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है। इकोनॉमिक लिबर्टी इनकरेजेस द सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। व्यक्तिवादियों का यह तर्क कि आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह शोषण को जन्म देती है, शोषण की व्यवस्था को बढ़ावा देती है। इस नीति को अपनाने का परिणाम क्या होगा? पूंजी धन केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और ये पूंजीपतियों असंख्य निर्बल श्रमिकों का शोषण करने लगते हैं। अनियंत्रित औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो शोषण जनित बुराइयां अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई हैं, उन्हें दूर करने के लिए राज्य को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए आगे आना पड़ा है। समाजवाद की इस विचारधारा इसी हस्तक्षेप का परिणाम मानी जा सकती है। गिलक्राइस्ट ने भी कहा, व्यक्तिवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यह है कि इस नीति को अपनाने का राजनीतिक, सामाजिक और औद्योगिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। यह स्पष्ट हो गया है कि प्रतियोगिता के आधार पर अर्थव्यवस्था ने समाज का हित नहीं बल्कि अहित किया है। तो इन आधारों पर हम देख सकते हैं कि आज यह सिद्धांत प्रायः मृत प्राय हो गया है। इसका प्रभाव वस्तुतः 19वीं शताब्दी के
उत्तरार्ध में एकदम कम होता चला गया और 20वीं शताब्दी के आरंभ होते होते ये एकदम ही प्रभावहीन हो गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही यह अनुभव किया जाने लगा कि राज्य के कार्यों को इतना अधिक सीमित कर देना न तो व्यवहारिक है और न ही बुद्धिसंगत। आज का युग समाजवादी राज्य का है और इसी का विकसित रूप लोक कल्याणकारी राज्य है। और इसके परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे अहस्तक्षेपवादी राज्य की मान्यता समाप्त होने लगी। हमारे सामने यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या वर्तमान में ऐसा कोई राज्य है? इस प्रश्न का उत्तर यही दिया जा सकता है, 21वीं शताब्दी में विश्व के किसी भी भाग में ऐसा कोई राज्य हमें नहीं दिखाई देता। इसका कारण भी स्पष्ट है कि 20वीं शताब्दी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की शताब्दी मानी जाती है। आज हम कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस संकल्प को स्वीकार करते हैं। आज राज्य अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के कार्यशील है। अतः वर्तमान विश्व में इस प्रकार के किसी राज्य की खोज या कल्पना पूर्णतः अप्रासंगिक है। तो आज हमने जो चर्चा की वो अहस्तक्षेपवादी राज्य पर की। अब हमारा जब नया टॉपिक हम अगली बार आपके सामने लाएंगे वो है लोक कल्याणकारी राज्य। थैंक यू।